स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। तो आज मैं हम लोग बात करेंगे डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। पोटेंशियल का डायमेंशन क्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = W / Q। W क्या होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन को क्या लिखते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 4 क्यू। अगर फोर्स का डायमेंशन पता है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, और ये डिस्प्लेसमेंट को एस लिखें डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू को लिखते हैं आई इंटू टी, ठीक है। मास को एम लिखेंगे, डायमेंशन के टर्म में 9 क्लास में पढ़ा होगा। मास को एम लिखते हैं, लेंथ को एल लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी इनटू डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं एल डिवाइडेड बाय आई इनटू टी, ठीक है। मास को एम, वेलोसिटी को क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू टाइम नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे टी स्क्वायर आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फाइनली एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर टी माइनस टू ऊपर जाने पे और आई माइनस वन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डायमेंशन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू आई इनवर्स वन, ठीक है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो सपोज मैंने क्या किया कि दो पॉइंट लिया, एक ए पॉइंट लिया और एक बी पॉइंट लिया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए से बी तक किसी चार्ज को ले जाया जा रहा है और उसमें अगर डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है, तो दोनों पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी दोनों का डिफरेंस होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे लिखा है बी ए माइनस बी वी, अगर यूनिट चार्ज को ले रहा है तो बी ए माइनस बी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात किया था कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को ला रहता है, तो सपोज बी को मैंने क्या माना, इन्फिनिटी माना, रेफरेंस पॉइंट इसको माना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिट इज अज्यूम टू बी जीरो वोल्ट, ठीक है। तो बी को, बी की पोटेंशियल क्या होगी, जीरो होगी। तो इससे क्या होगा कि बी ए इज इक्वल टू कितना होगा, डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे, आई होप इट्स क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।